for the dinner day. Thank you so much. San Carlos na niya. Timothy's din ang dosa ka. For the dinner day. Thank you so much. ठीक है बिल्कुल। सारी लिखित परमेश्वर दे आत्मा तो है। हालेलुया। हालेलुया। सारी लिखित परमेश्वर दे आत्मा तो। असें पिछले हफ्ते जैसे विचार किया थे, लिखित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है, इसीलिए हर बात पूरी हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। यदि ये लिखित किसी इंसान की इच्छा उसकी मर्जी से होती तो कभी भी पूरी पूरी ना होती। सो इसी एक बात को समझ लेना इंसान के लिए काफी है, और यदि इसी एक बात को मान ले तो बाइबल पर फिर शक किया जा सकता नहीं। हालेलुया। क्योंकि इतना कुछ पूरा हो चुका और इतना कुछ पूरा हो रहा है। हालेलुया। फिर भी इंसान के पास बहस करने के लिए इसमें उसको बहुत कुछ मिल जाता है, और रोज तरह तरह के सवाल लोग करते रहते हैं। असल में क्या है, इसको जब हम अपनी अकल से पढ़कर इसमें से सवाल करने के लिए ढूंढेंगे तो पूरी बाइबल उस इंसान के लिए एक सवाल ही बनकर रहेगी, क्योंकि इसमें लिखकर दिया सारी लिखित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। अब जो आत्मा पाया हुआ है वही उस लिखित को समझ सकता है। लिखा इसकी जांच आत्मिक रीति से की जाती है। तो यदि मैं अपनी बुद्धि से इसको समझने की कोशिश करूं, अपने ज्ञान से, अपनी एजुकेशन के लिहाज से, तो मैं इसके एक भी शब्द को समझ सकता नहीं। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा हम लोग बुद्धिमान साइंटिस्ट को ही समझते हैं, जिन्होंने इतनी इतनी खोजें की है। उन्हीं साइंटिस्टों ने हमको बताया ना कि धरती जो है वो सूरज के चौगिर्दे घूमती है, तो हमको स्कूल में भी पढ़ाया जाता, हम लोग भी यही समझते हैं। हाँ जी, जैसे जैसे धरती का जो जो हिस्सा सूर्य के सामने आता जाता है वहां वहां पर दिन होता है, जो जो हिस्सा उससे गैप होता जाता है वहां वहां पर रात हो जाती है। तो हमको ये समझाया गया, और उन लोगों ने समझाया जो इस संसार के सबसे ज्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं। लेकिन इसमें हजारों साल पहले लिखकर दिया धरती नहीं घूमती सूरज के चक्कर में। हालेलुया। नहीं घूमती। हालेलुया। अब साइंटिस्ट को कैसे मान सकता है, क्योंकि उसने तो अपनी अकल के द्वारा लोगों को समझा दिया कि धरती सूरज के चुगिर, ऐसी नहीं कि धरती घूमती, ये भी बात ध्यान में रखना, धरती भी घूमती है, जो कुछ हवा में लटका हुआ है सब घूम रहा है, क्योंकि हवा में कोई चीज बिना घूमे लटक सकती ही नहीं है, सब कुछ घूम रहा है। लेकिन जिस तरह से वो कहते हैं जो हमको सिखाया गया है वो नहीं है। इसमें लिख कर दिया सूरज धरती के चौगिर्दे घूमता है, धरती सूरज के चौगिर्दे घूमती। और एक किताब में नहीं बल्कि तीन किताबों में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में लिख कर दिया, जबूरों में लिख कर दिया, अजूब की किताब में लिख कर दिया, ताकि कोई शंका ना रह सके। सो जब इसमें लिख कर दिया है तो फिर मानना पड़ेगा। फिर कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी, साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं हमारी खोजें, जिन्हें हम बाइबल के उलट खोजने की कोशिश करते थे वो गलत साबित हुई, और इसमें जो लिखा है वो दिन प्रतिदिन सही साबित होता। अब फिर भी मूर्ख ज्ञानी इसको समझने के लिए तैयार ना हो तो किसी पर हम लोग थोप नहीं सकते। हालेलुया। इन बातों को किसी पर थोपा नहीं जा सकता, किसी की गर्दन पर तलवार रखकर हम ये कह नहीं सकते तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य नहीं है कि तलवार की धार से हम किसी को कहें कि तू मुसलमान बन जा, ये वो समय नहीं है। और ये तो प्रेम का संदेश है, इसलिए प्रेम से ही समझा सकते हैं। हालेलुया। किसी को जबरदस्ती कर सकते, अब हम तो अखबारों में पढ़ते हैं जबरन धर्म परिवर्तन,
कैसे जबरन दुनिया की किसी अदालत में आज तक कोई बंदा जो है ना कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर पाया कि बाइबल के अनुसार किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया हो। आज तक दुनिया की किसी कोर्ट में ये केस पास नहीं हो सका कि किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया हो। जब कोर्ट में बात साबित नहीं हो सकी इसका मतलब जो दोष लगाया जा रहा है वो सरासर क्या है। फिर कहते हैं कि लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। ये भी बहुत FIR दर्ज हुई लेकिन आज तक किसी कोर्ट द्वारा ये फैसला नहीं सुनाया गया कि किसी को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया। तीसरा कहते हैं झूठी करामातें दिखाकर लोगों को झूठ बोलकर झूठी गवाहियां दिलाकर ये लोग लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। इस पर भी बहुत डिबेट हो चुकी है, बहुत बार उन्होंने ये दोष भी लगाए हैं लेकिन ये दोष भी किसी अदालत में आज तक साबित हो सका नहीं। और जो दोष लगाते हैं उनका अपना मजहब करामातों से भरा हुआ है। जो कहते हैं ना कि ये करामाते दिखाते हैं उनकी बुनियाद ही करामातों पर टिकी हुई है, इसलिए उनको तो कम से कम ये दोष लगाना बनता नहीं है कि ये लोग किसी को गुमराह कर रहे हैं। सो ये समझ नहीं आ रहा, उसका सीधा सीधा अर्थ है कि लिखित परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है। इंसान आत्मा को पाए बिना अपनी अकल अपनी समझ से इसको समझने की कोशिश करता है इसलिए समझ आती। लालच देकर धर्म परिवर्तन, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा लेकिन कुछ लोगों को बताते हैं, पानी का गिलास निकाल देते हैं। एक तो कोरिया है जिसका शासन तानाशाह कर रहा है और एक उसके उलट कोरिया है, इसको बोलते हैं नॉर्थ कोरिया और उसको बोलते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की एक एग्जांपल दूंगा उसके बाद आप लोग फैसला करना कि लालच देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, झूठी करामाते दिखाकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, जहां जैसे तीनों बातें हमने सीखी ना, तीनों में से बताना कि किस तरह इस देश में वो रेवलेशन आया। दो वहां की मुख्य बातें बताऊंगा उसके बाद समझ आना शुरू हो जाएगा। लिखित उसी की समझ में आएगी जो आत्मा पाया हुआ है। हालेलुया। एक सबसे बड़ी वहां की जो मिसाल दूंगा, एक चीफ सेक्रेटरी की पदवी पर था इंसान और चीफ सेक्रेटरी की पदवी वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की रुतबे के बराबर होती है। हालेलुया। अब उसके वजूद को आप लोग सीधा सीधा समझ लेना, ऐसे वजूद वाले आदमी को लालच देकर आप क्रिश्चियन बना सकते हो? जो पहले ही सब कुछ का मालिक है क्या उसे कोई लालच दिया जा सकता है? अब दूसरी बात, अगर वो चीफ सेक्रेटरी है तो एजुकेटेड भी होगा, तो क्या एक एजुकेटेड बंदे को आप झूठ मूठ बोलकर उसकी आस्था से हटा सकते हो? हाँ जी, तो उस चीफ सेक्रेटरी के पास ये खुशखबरी पहुंची और उस चीफ सेक्रेटरी ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। जब कुछ दिनों तक तो उसने इस बात को गुप्त रखा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बात फैलनी शुरू होगी क्योंकि लिखा है कि दीवट पर दिया जलाकर रखा जाता है ताकि आने वालों को रोशनी दे। So, जब बात फैलने लगी तो उसको वार्निंग मिलने लगी कि तुम्हें ये आस्था छोड़नी होगी, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना होगा नहीं तो तुम्हारे लिए नतीजा बुरा हो सकता है। उसने कहा ये मेरे लिए मुश्किल है, जो रोशनी मुझ पर चमकी है जो प्रकाश मुझे मिला है
उसे छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा दो ऑप्शन हैं, या तो मसीह यस्सु को छोड़ दो या फिर अपने ओहदे को छोड़ दो। उसने अगले दिन रिजाइन लिख कर रख दिया, मैं यस्सु मसीह को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने ओहदे को छोड़ता हूं। नौकरी चली गई, लालच नहीं है। ये कोई किसी गरीब झोंपड़ी वाले की मिसाल नहीं दे रहा हूं, एक देश के चीफ सेक्रेटरी की मिसाल दे रहा हूं। उसका इतिहास है, हिस्ट्री है, कोई बहुत पुरानी नहीं कि जिसको हम लोग खोज ना सकें, कोई हजारों साल या सैकड़ों साल नहीं, इसी बीती हुई सदी की बात कर रहा हूं, इसलिए कोई ढूंढना मुश्किल नहीं। उसके बाद उसे बोला गया कि तुझे यीशु मसीह को छोड़ना होगा, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे घर में भी रहने नहीं दिया जाएगा। पहले तो सरकारी तौर पर जो मिला हुआ था उसमें से निकाला, फिर उसको जिस घर में रहता था वहां से भी उसको निकलने के लिए मजबूर किया गया। यीशु मसीह की खातिर उस इंसान ने अपने घर को भी छोड़ दिया। आखिरकार एक ब्रिज के नीचे एक झोंपड़ी लगाकर अपने परिवार के साथ रहने लगा। वहां पर जाकर भी उसे सताया गया, इतना सताया गया जिसका कोई हिसाब नहीं। आखिरकार मामला यहां तक पहुंच गया, एक डिच मशीन लेकर वो लोग आ गए और एक खड्डे को खोदना शुरू किया। उसके बच्चों के साइज के हिसाब से उनको खड़ा कर दिया गया और कहा यीशु मसीह का इनकार कर दे, नहीं तो मिट्टी में एक एक करके सबको दफन कर दिया जाएगा। उसने कहा दफन होना मंजूर है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का इनकार हो सकता नहीं। एक एक बच्चा आंखों के सामने दफन होता जा रहा है और वो प्रभु की शुक्रगुजारी करते जा रहे हैं। आखिरकार एक एक करके पूरे परिवार को दफन कर दिया गया। ये बाइबल का इतिहास है, जहां भी आज लोग यीशु मसीह को मान रहे हैं बिना कुर्बानी के ये खुशखबरी पहुंची नहीं। हालेलुया। हमारे सिख भाई कभी कभी कह देते हैं यार एक ही कुर्बान हुआ तुम लोगों में और इतना रेवलेशन, हमारे बोलते हजारों कुर्बान हुए, लाखों कुर्बान हुए। तो मैं अपने सिख भाइयों को बता देना चाहता हूं, तुम्हारे तो लाखों हुए हैं। ये बाइबल जहां जहां पहुंच गई करोड़ों करोड़ लोग कुर्बान हो चुके हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जितने सिख कौम में कुर्बान हो चुके हैं और जितनी अभी गिनती है, इससे भी 10 गुना ज्यादा मसीही लोग कुर्बान हो चुके हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ यीशु मसीह की ही कुर्बानी को मुख्य रखा गया, किसी इंसान को ज्यादा ऊंचा किया गया नहीं। लोगों की शहादतों को इतना अहमियत नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारी शहादत किसी काम की नहीं है यदि हम खुदा के लिए मरें। लेकिन उसकी शहादत को इसलिए मुख्य रखा गया, उसकी शहादत में मुक्ति है, हमारी शहादत में मुक्ति नहीं। उसके नाम में मुक्ति है, हमारे नाम में मुक्ति मुक्ति नहीं। इसलिए हम शहीदों को ज्यादा हाईलाइट नहीं करते, वरना यदि शहीदों की बात करें ना तो एक एक समय पर करोड़ों करोड़ लोग मारे गए। और अफ्रीका जैसी कंट्रियों में मसीही प्रचारकों को मारकर लोग खा गए और आप कुर्बानियों की बात करते हो। ये इतिहास है बाइबल का। और ऐसी ऐसी मौतें दी गई हैं कि इंसान को ख्वाब भी आ जाए तो उठकर बैठ जाएगा, लेकिन बाकी लोगों की शहादतों को ज्यादा हम लोग हाईलाइट करते, क्योंकि हमारे लिए एक ही मसीह है जो शहीद हुआ, एक ही है जिसने कुर्बानी दी, उसी के पवित्र लहू के द्वारा पूरे संसार की नजात का ऐलान होता है। हमारा लहू इतना पवित्र नहीं कि हम किसी की नजात के लिए बहा सके।
हालेलुया। हम मरेंगे भी ना मसीह के लिए, तो मसीह के लिए नहीं मरेंगे, ये याद रखना मसीही लोगों। हम में से कोई मरता है ना, तो हम अपनी नजात के लिए मरते हैं, मसीह के लिए तो कोई होगा जो मरता है। हालेलुया। हमको ये पता है कि उसके लिए मर गए तो नजात मिलेगी, इसलिए हमारी कुर्बानी कोई इतनी अहमियत नहीं रखती। हमारी कुर्बानी में भी एक स्वार्थ छुपा हुआ है, लेकिन वो जब कुर्बान हुआ वो निस्वार्थ था। हालेलुया। इसलिए उसकी कुर्बानी को हम लोगों ने अहमियत दी है, हमारी कुर्बानी का कोई वजूद वजूद नहीं है, लेकिन उसकी नजर में लिखा है उसके लोगों की मौत बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। जो उसके लिए मरते हैं उनकी मौत बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। स्वर्ग में उनके लिए परमेश्वर से उस्तत और महिमा मिलती है जो उसके नाम में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर भी हम लोग लोगों की शहादत को इतना ज्यादा हाईलाइट करते नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई बाइबल हमें बताती है कि कुर्बानी कुर्बानी का भी एक कारण होता है, लेकिन मसीह की कुर्बानी के साथ दुनिया की किसी कुर्बानी की तुलना कर सकते? हालेलुया। मसीह का जब नाम आता है तो आप लोगों ने हमारे मुंह से कभी ये नहीं सुना होगा कि यीशु मसीह मसीहों का प्रभु या मसीहियों का गुरु। यीशु मसीह की जब बात आती है तो हम लोग एक ही आयत पर जोर देते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की। किससे जी? बोलो, किससे मोहब्बत की जी? पात्रों की प्रेरणा से लिखे गए कलाम में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से। ये बाकी लोगों की किताबें कहती होगी कि उन्होंने उनके गुरुओं प्रभुओं ने उनके साथ मोहब्बत की है, लेकिन इस बाइबल में जो दुनिया का प्रभु है उसके बारे में लिखा गया परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत की, चाहे उसमें कोई मरासी हो, चाहे उसमें कोई बादशाह हो, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई छोटी जाति का हो, चाहे कोई बड़ी जाति का हो, हर एक को मसीह के बदन का अंग कहकर लिखा गया है। हालेलुया। तो इसलिए उसने अपने अंग से मोहब्बत की है। आप सब लोग संसार में बिखरे हुए परमेश्वर के अंग हो। परमेश्वर आपको किसी जाति मजहब की नजर से नहीं, जब भी देखता है वो इस तरह देखता है, ये मेरा बेटा, मेरा क्या है? अंग है। हालेलुया। और अंग से मोहब्बत की जाती है, अंग को पाला और परोसा जाता है। इसलिए परमेश्वर ने जगत से मोहब्बत की और अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। यहां पर ये नहीं लिखा परमेश्वर ने मसीहों से मोहब्बत की या यहूदियों से मोहब्बत की, ना। इसमें तो लिखा अब मसीह में ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई नर, ना कोई नारी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, बल्कि मसीह में हम सब क्या हैं? एक हैं। इसमें आने पर यह नहीं कहा जाता आज ही कौन है जी? जट क्रिश्चियन। जिधरे दे मुंह निकल गया ना जट क्रिश्चियन, असी चर्च चो कर देना है। हालेलुया। जिस दिन कह दिया ना इसने मैं जट क्रिश्चियन गया, जिस दिन इसने शादी करने पर अपने बच्चों के शादी करने पर कह दिया कि हमको जी ऐसा बंदा चाहिए जो जट से कन्वर्ट होकर आया हो, निकल गया। क्योंकि हमको जट नहीं, हमको तो उसका अंग चाहिए। हालेलुया। और उसके हरेक अंग की वैल्यू है, और अंग की वैल्यू समझनी हो तो उनसे पूछो जिनके पैर की एक चींची भी कटी हुई हो ना, तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। हालेलुया। इसलिए यहां पर चाहे मरासी हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे चमार हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, यहां पर कोई बड़ा छोटा नहीं। और यहां पर ये नहीं कहा जाएगा ये बंदा जी क्षत्रिय क्रिश्चियन है, ये मरासी क्रिश्चियन है। क्यों नहीं कहा जा सकता? इसमें उसने लिख कर दिया है। हालेलुया। मसीह में हम सब क्या हैं? लोगों ने इस चीज को बदलने के लिए तो बहुत कुछ किया,
किसी ने नाम दान करवाया, किसी ने अमृत छकवाया, लेकिन इस कोड से नजात ना पा सके, सिर्फ यहीं पर आकर नजात मिली। हालेलुया। यहीं पर आकर जात खत्म हुई, यहीं पर आकर रुतबे खत्म हुए, यहीं पर आकर घमंड का सिर जो है वो कट गया, यहीं पर आकर झुकना पड़ा, यहीं पर आकर मानना पड़ा, मैं अब कुछ नहीं, जो कुछ है वो मेरा बनाने वाला है। हालेलुया। सो ये बातें उन्हीं की समझ में आएंगी जो आत्मा की प्रेरणा से इसकी जांच करेंगे, क्योंकि इंसानी बुद्ध से इसकी जांच की जा सकती इसका एक भी शब्द समझा जा सकता नहीं है। सो आत्मा की प्रेरणा से समझेंगे। पिछले दिनों पर मैंने एक पोस्ट डाली थी, जो कोरोना वायरस आया है तो हमारे बुद्धिजीवी क्रिश्चियन भाइयों ने उस पर डिबेट किया, मैंने किसी का जवाब नहीं दिया। मैंने बोला मेरे पास इतना समय नहीं कि लिख लिख कर जवाब दूं, मैं पोस्ट डाली है तो वीडियो बनाकर मैं जवाब जरूर दूंगा। तो सहारा लिया है इन्होंने कि कलाम में लिखा कर दिया खुदावंद खुदा ने, क्या लिख कर दिया, कसाईयों की दुकान पर जो कुछ भी बिकता है वो बिना किसी बात के पूछे तुम लो और खा लो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि चमगिद्दड़ खाने से कोरोना वायरस आया, या सांपों को खाने से कोरोना वायरस आया, या सूअर को खाने से कोरोना वायरस आया है। हम लोग ये नहीं कह सकते, क्योंकि कलाम में तीन चार ऐसी वर्से हैं, जिसको मैंने शुद्ध ठहराया तू उसे अशुद्ध कहने वाला कौन है। खुदा के लोगों के लिए सारी चीजें शुद्ध हैं। तो ये तीन चार वर्षे जो हैं, जिनका सहारा लेकर लोगों ने ये मान लिया कि मसीह ने अब वो सारी बातें जो शरीयत में मना की गई थी, अब उनका करने का इजाजत जो है वो दे दी है। तो क्या आप भी मेरी इस बात से सहमत हैं जो लोग कह रहे हैं, या कि नहीं है? हाँ जी, अब पढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी वर्षे, तो आगे बढ़ते हैं कि आत्मा की प्रेरणा से लिखी बातों को समझना है तो फिर आत्मिक रीति से ही इनकी जांच की जा सकती है। फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या है। कुछ वर्षे उस बात से रिलेटेड नहीं, लेकिन समझने के लिए इन वर्षों का पढ़ना बड़ा जरूरी है। पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 13 अध्याय की 55 वर्ष, जल्दी जल्दी से इनको सिर में टच कराना, फिर वहीं पर आ जाएंगे। मत्ती की अंजील, यहां पर लिखा है क्या ये भड़ई का बेटा नहीं, यानी कि तरखान का बेटा नहीं है? हाँ जी बताइए जी, यीशु मसीह तरखान का बेटा है जी? हाँ जी नहीं, किसे तरह मिलेगा, किस तरह मिलेगा, सही 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 नहीं नहीं किस तरह नहीं है, मरियम दा किसी तरह लिखित पर बहस करते हैं ना, किस तरह सही। लिखित में तो लिखा कि यहूदी कह रहे हैं क्या ये तरखान का बेटा नहीं। यहूदी जब यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर और अपनी अकल से और वहां पर पैदा होने के लिहाज से क्या समझते हैं भला, कि ये कौन है, ये एक तरखान का बेटा है। हालेलुया। तो फिर तरखानों का गुरु कौन हुआ जी? हाँ जी, फिर तरखानों ने क्यों नहीं माना, बोलो जी, मनिया नहीं है ना? यहां पर कुमारों का भी गुरु लिखा हुआ है, मछुआरों का भी लिखा हुआ है। हाँ जी, एक एक करके बताऊंगा तो सारी जातियां बीच में इंक्लूड हो जाएंगी, समझेंगे बात को। कलाम में क्या लिखा है, बोलने वाले बोल रहे हैं, वहां के फकीह फरीसी लोग क्या कह रहे हैं, क्या ये तरखान का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं है? बिल्कुल है। और इसके भाइयों के नाम यकूब, यूसुफ और शमून और यहूदा नहीं है? साफ साफ लिखा है, कोई इसमें डॉट है जी? हाँ जी, वहां पर क्या लिखा है, कसाईयों की दुकान पर जो कुछ मिलता है वो खाओ। अब मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, इस बात को भी मान लो कि यीशु मसीह तरखान का बेटा था, क्योंकि ये भी लिखा ही हुआ है। हाँ जी, ये नहीं मानेगी। आगे एक और वर्ष पढ़ते हैं, 10 की 42 पढ़ेंगे। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए
मैं तुमसे सच कहता हूँ वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। छोटे तो छोटे चेले नू मेरा चेला जान के की करे भला? पानी पानी पिलावे के ठंडा? ठंडा। बोलो की लिखा है? लिखते जी क्या लिखा है जी? ठंडा पानी। कौन सा पानी पिलाना है जी? ठंडा पानी। हाँ जी, अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर लाइट गई हो, हीट बंद हो जाए, टेम्परेचर जो है वो 10 से 15 डिग्री का हो और आपके पास चेला आए तो ठंडा ही पिलाओगे ना? कलाम तो कहता ठंडा पिलाना है। बोलो। हाँ जी, कलाम जो कुछ भी हो। नहीं नहीं, हमने तो कलाम के अनुसार चलना ना। कलाम में लिखकर दिया ठंडा पिलाना है तो ठंडा ही पिलावांगे ना। कलाम को आप निखेध नहीं कर रहे, कलाम की मुखालफत नहीं कर रहे, क्योंकि कलाम में तो लिखा है कि मेरे चेले को कौन सा पानी पिलाना है। वो चाहे -0 टेम्परेचर हो, आप लोगों ने कौन सा पानी पिलाना है? वो भावे ठंडा पानी पी के मर जाए, तुसी हुक्म नहीं तोड़ना। तुसी केड़ा पुराना भला, क्योंकि लिखा है ना। नोट करते जाना, फिर अंत में इसको क्लियर करते हैं, अगली वर्ष पढ़ेंगे। 12:49। और कौन है मेरे भाई और अपने चेलों की और अपना हाथ, सॉरी पहले 19 में से पढ़ लेते हैं, पहले हमने पढ़ा 11:18 में पढ़ेंगे, क्योंकि यूहन्ना का खत उसकी 11 अध्याय उसकी 18 वर्ष में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता। हाँ जी बोलो जी, की लिखा भला? यूहन्ना ना खाता और ना पीता। अगली गल कौन खाया तो बाद जड़ी है और हाँ जी, यूहन्ना ना खाता आया और ना ना पीता। की भला? पानी ना ना शराब को ना, क्योंकि ऐसे तो पीने शराब ही समझे ना। आगे लिखा भी है शराब की बात हो रही है। हाँ जी, ना खाता आया ना पीता आया, और वह कहते हैं कि उसमें क्या है जी? दुष्ट आत्मा है। की कहते जी भला? दुष्ट आत्मा। एक खांदा पींदा नहीं ऐसा गेरे की है भला? दुष्ट आत्मा। ये हुण केड़ा नहीं देसदा पिया भला? जेड़े खाण पीण वाले आ ओह कहंदे बेवकूफ आ, इहनूं खाणा पीणा इंजॉय करना चाहिदा है कि ये करदा नहीं गा, इस सरगे च की है भला? दुष्ट आत्मा। सानूं भी लोकी कहंदे जिहड़ा जी दुष्ट आत्मा, एवें खाण पीण लई रब ने सारियां चीजां बणाईआं, हुण ते सब कुछ उहने शुद्ध भी कर दित्ता। हाँ जी, ते साडे हिंदू भरा ते गां दा मूत पींदे, तुसीं क्यों नहीं पींदे? हुण इदां दा मूंह कल ही करदे आ, पास्ता खाने दी पींदे आ। हाँ जी, नहीं नहीं समझ वाली केड़ी गल्ल आ, उहदे विच 100% आयुर्वेदिक ने साबित कीता है कि गौमूत्र दे नाल बहुत सारियां बीमारियां दा इलाज हुंदा। गलत कीता है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਕਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਜੀ? ਪੀਆ ਕਰੋ ਨਾ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤਰ, ਹੁਣ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਨੀ ਉਦੋਂ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁੱਧ ਠਾਇਆ ਨਾ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਨਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਲਾ? ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੋਬਰ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਨਾ। अगर मूत्र पीन दे विच कोई इतराज नहीं, तो फिर गोबर खान दे विच भी कोई इतराज होना चाहिए? वो भी दुआ करो शुद्ध है, क्योंकि कलाम जी लिखा दुआ करने नाल की हुंदा भला? हर चीज की हो जाती। हाँ जी, की हो जाती भला? दुआ करिए तो हर चीज की हुंदी है, फिर गोबर भी खाया करो, शुद्ध हुंदा, भावे ओहदा होवे भावे अपना ही होवे, शुद्ध हो जाता ना, क्योंकि दुआ दे नाल की हुंदा भला? कलाम जी लिख के दिता ना, शुद्ध हुंदा। बोलो, हुंदा कि नहीं हुंदा? दुआ च इन्नी हिम्मत हैगी ना ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਭਲਾ? ਤੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਯੂਹੰਨਾ ਨਾ ਖਾਤਾ ਥਾ ਨਾ ਪੀਤਾ ਥਾ ਤੁਮ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ 19। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਲਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਜੂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਬ ਮਸੀਹ ਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਵੀ ਪਿਲਾਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਨੀ ਚਾਹੀਏ? ਬੋਲੋ ਕਿਉਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਸੀਹ ਮੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਕੰਮ ਬਣਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਂ ਬਚਪਨ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਬ੍ਰਾਂਡੀ ਸੇ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਿਖਤ ਕੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਤਾ ਪੀਤਾ ਆਇਆ, ਹਮਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀ ਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਂ ਜਿਸਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੋ ਅਬ ਨਾ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨਕਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਬੇਟੀਓ ਕੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਵੀ ਏਕ ਏਕ ਪੈਗ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਲਿਖਤ ਕੋ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂ? ਹੁਕਮ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਸਜਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਗੁਣਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵਚਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਤਾ ਪੀਤਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਪੇਟੂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਕੜ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਕੜ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਏਦਾਂ ਲੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ,
फिर क्यों वर्स करते हो बाले पी के मत वाले बाली किन्नी होती है सानू ते बोतल पीण तो बाद भी पता नहीं लगता तो असी पीती है तो कहते नहीं विलियम साहब मजा नहीं आया वो कहते सर हुणे हाजर है असी ते बोतल पीण तो बाद भी मत वाले नहीं सी हुंदे साडे लई जो भी की सी भला थोड़ी जी सी ते समझ साडी फिर भी आउंदा आउंदा नहीं है क्यों एदे विच लिख के दिता पापी दी सब तो वड्डी एक पहचान है ओनू पाप करन दा बहाना चाहिदा है जिन्नू ओ बड़ी खूबी दे नाल एदे विचों लभ लैंदा है पाप भी करना ते केदे सहारे भला वचन दे सहारे ए वचन सानू पाप करन दे लई बल देण वास्ते नहीं बल्कि पाप तों मुक्ति पाउण दे वास्ते दित्ता गया इसलिए वचन तुहानू कदे भी पाप करन दे लई मजबूर कर सकदा यदि कोई वर्स पाप नू करन दे लई बल दे सकदी सकदी नहीं है सच लिखिया साफ करके मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वह कहते हैं देखो पेटू और पियकड़ मनुष्य मसूल लेने वालों और पापियों का क्या है मित्र है पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया ज्ञान का सच्चा ठहराया गया भला अपने अब इस वर्ष पर अगर कोई नॉन क्रिश्चियन आदमी जो आत्मा पाया हुआ नहीं है वो आपके साथ डट कर बहस करेगा कि यीशु मसीह पैग लगाता था क्योंकि इसमें लिखा है और तसल्ली करवाने के लिए आपके पास जवाब भी नहीं होगा क्योंकि तुसी ते आप ही थोड़ा थोड़ा कितने कितने लाभ ही लेंदे हो जां फिर मन्ना पऊगा साडा यीशु मसीह भी कितने कितने थकान नूं दूर करन दे लई मांदगी नूं दूर करन दे लई कितने कितने वो कहना नहीं चेले तुसी जाओ ते मैं बाद च आउणा हां जी तो अब नास्ती क्या कहेगा ओ उन्हां नूं ताईयों कला भेज दिंदा हुंदा सीगा बाद च अपना सूत लाउणा हुंदा सी ताईयों दे नेरे नेरे पे आउंदा हुंदा सी वी पता ना लगे हैना फिर इह तत्थ ते इही कढणगे ना वी उन्हां ताईयों अगे भेजदा तुसी जाओ ते मैं ताडे सामने ही लाउणा मैं बाद च ला जो के थकान दूर करके आउणा जे अज भी समझ दे विच नाना आई गल ते फिर कदे आउणी आनी नहीं अब इसका जवाब क्या है यदि आपको कोई कहे कि इस वर्ष का मतलब ये है इस कलाम में लिख कर दिया नजीर खुदा का नशा कर सकता नहीं नहीं जो खुदा का नजीर है वो कोई भी अमल वाली चीज पी सकता नहीं समसून की माँ को हदायत दी गई थी जो तेरे गर्भ में है जो तेरी कोख में है परमेश्वर का नजीर है इसलिए जब तक वो तेरे गर्भ में रहे गलती से भी कोई नशे वाली चीज का इस्तेमाल करना और जो तेरे गर्भ में है जब वो पैदा हो तो उसे भी ये शिक्षा देना परमेश्वर का फजल तुझ पर है और तू खुदा का न्यारा किया हुआ है कभी गलती से भी नशा करना अंधा करके इसीलिए लेकर गए थे सात मुख्य गलतियां की थी समसून ने तब जाकर दुश्मनों ने उसका ये हशर किया था इसलिए इस वर्ष का मतलब ये नहीं कि वो पियक्कड़ था पीते का मतलब ये नहीं कि वो पीता था ये आम मुहावरे हैं जो जिंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका मतलब कुछ और होता है गाड़ी हवा से बातें कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि गड्डी गल्ला कर रही है उसका मतलब बड़ी तेज रफ्तार से चल रही है उसको हम कह देते हैं गाड़ी हवा से बातें कर रही है लेकिन समझाने के लिए शब्द है लेकिन समझने का अर्थ वो नहीं है उसी तरह यहां पर लिखा कि कसाईयों की दुकान पर जो कुछ बिकता है वो खाओ इसका अर्थ ये नहीं कि खुदा ने कहा था सूर नहीं खाना अब खा सकते हो खुदा ने कहा था रेंगने वाले ये जीव जंतु नहीं खाना अब खा सकते हो इसका मतलब ये नहीं है वहां पर एक खास मैसेज है
जिसकी वजह से संत पालूस ने ये शब्द लिख कर दिया। सबसे पहले आपसे सवाल है, कुरंथ शहर जो था वो कहां पर था? एक आदमी ने पता, बाकी उन्होंने पता, मैंने पता क्योंकि वो वहां पर रहकर आया है। कुरंथ शहर सानू तो इन्ना नहीं पता, मसीही लोगों को कुरंथ शहर किथे सीगा, असी उस शब्द के अर्थ नू की समझांगे? ये वो क्रंथ शहर है, उसके 11 बड़े शहर थे, उनमें 7 मुख्य थे और 7 मुख्य शहरों में एक शहर था जिसका नाम क्या था? क्रंथ शहर। ये यूनानियों का इलाका था और आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पूरे का पूरा न्यू टेस्टमेंट जो है वो हिब्रू में नहीं बल्कि ग्रीक भाषा में लिखा गया है। हालेलुया, पूरा न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट इब्रानी हिब्रू में है और न्यू टेस्टमेंट पूरे का पूरा ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा गया है। ये वो कुरंथ शहर है, यहां पर सबसे ज्यादा समय तक संत पालूस ने सेवकाई की है। उसकी जितनी जीवन का समय है ना सेवकाई का, उसमें सबसे ज्यादा समय संत पालूस ने इसी शहर में लगभग 18 महीने से लेकर 2 साल का समय इन क्रंथियों को उसने दिया। और इस क्रंथ शहर की कुछ रवायतें थी, इस क्रंथ शहर के कुछ कायदे कानून थे, कुछ इनके अपने पहले से चल रहे थे, कुछ यीशु मसीह का कलाम वहां पर पहुंचने के बाद शुरू हुए, और कुछ ऐसे प्रीस्ट और कुछ ऐसे लोग थे जो दोनों को मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे थे। जैसे शुरू शुरू में जो मसीही तालीम में चलते थे वो बहुत सारी जो बातें थी वो शरीयत की बातों को साथ में लेकर चलते थे, आगे चलकर उन्हीं के कारण उनको डांट पड़ी और उनको फिर समझाया गया कौन सी शरीयत की बात को किस लहजे से और किस तरीके से लिया जा सकता है। क्रंथ शहर में बहुत सारी कलीसियाएं थी, बहुत सारे लोग थे, उनकी कुछ रवायतें थी, वहां पर पहले से भी कुछ कुर्बानियां होती थी और कुर्बानियां जब ज्यादा आ जाती थी वहां पर एक कानून फिर उन्होंने मुकर्र किया कि क्या करें फिर उन कुर्बानियों का, क्योंकि खाने वाले लोग कम हैं, कुर्बानियां ज्यादा है। और कुछ कुर्बानियां वो अपने मसीह में आने के पहले के लिहाज से देते थे और कुछ कुर्बानियां वो मसीह में आने के बाद के लिहाज से करते थे। किसी का वो गला काट देते थे, किसी का दबाते थे, किसी को जबा किया जाता था शरीयत के अनुसार। तो अब वहां पर ये खाने पीने को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चला। आप क्रंथियों के खाते के उस अध्याय को जब गौर से पढ़ोगे तो उसको उसमें एक सब्जेक्ट है पूरे का पूरा और हमने वहां से सिर्फ एक लाइन को उठाया। कसाइयां दी दुकान दे जोग च मिलदा खा लो, जिदा शराब पी ले सी उठाया, बाले मत वाले ना बनो, बाली पी के इस करके थोड़ी थोड़ी सारी दिहाड़ी दिते जाए, जदों लग्या भी मत वाले होण लग्या उदो साइड ते कर दे तू मेरी दुश्मन है, है ना, क्योंकि हमने निकाला ना। उसी तरह ये कसाइयों वाली जो वर्स है ना उसमें से उठाई, और अब मैं इसको खोल कर बता रहा हूं वजह क्या थी पालूस को ये शब्द लिखने की। वजह ये बनी कि कसाइयों की दुकान पर कुर्बानियां, मंदिरों में कुर्बानियां बहुत ज्यादा हो जाती थी, अब करें तो करें क्या, 2 तरीके का काम फिर वो लोग करते थे। जो कुर्बानियां ज्यादा हो जाती थी जितनी मंदिरों में बनाई जा सकती थी वो बनाते थे, बाकी जो बच जाती थी उनको कसाइयों की दुकान पर बेच आते थे। जब कसाइयों के पास भी रखने की जगह नहीं होती थी बाकी का बचा हुआ फिर दरिया में फेंक आया करते थे ताकि मछलियां वगैरह खा जाएं। तो कसाइयों की दुकान पर जो मटेरियल पहुंचता था ना वो शरीयत के अनुसार और उनकी अपनी आस्था के अनुसार ही था। अब वहां पर विवाद हुआ कि हमको कैसे पता चले कौन सा हलाल है और कौन सा चटके वाला है। तो संत पालूस को इस बात पर बहुत दुख हुआ कि हम लोग खुदा की खुशखबरी को इन खाने पीने की वस्तुओं में ही बेकार क्या समान लगाए जा रहे हैं।
जो समय हमको प्रार्थना में देना चाहिए, जो समय हमको लोगों को खुशखबरी में लगाना चाहिए, जो समय इसको पढ़ना चाहिए, जो समय इसके अनुसार करना चाहिए, भक्ति का जो लेवल होना चाहिए, उस सारे काम से हटकर वहां पर एक विवाद छिड़ गया था सिर्फ खाने पीने को लेकर। तो ये उस्ताद होते हुए वो डांट रहा है, समझा रहा है कि इन बातों में व्यर्थ समय मत निकालो। वहां पर वो कह रहा है कि अगर वहां पर तुम जाते हो तुमको नहीं समझ आता दुआ करके खा लो। उसका मतलब ये नहीं था कि कसाईयों की दुकान से सूअर भी ले आओ, कसाईयों की दुकान से उल्लू भी ले आओ, कसाईयों की दुकान से डड्डू भी ले आओ, कसाईयों की दुकान से सांप भी ले आओ, जो जो मैंने मना किए हैं वो सारी चीजें ले आओ। उन कसाईयों की दुकान पर ये चीजें बिकती ही नहीं थी। हालेलुया। पत्रस की उदाहरण दे देते हैं। पत्रस छत पर गया, दुआ कर रहा है, दुआ करते करते उसको एक दर्शन होता है, एक चादर आकाश से नीचे आ रही है, उसमें सारे अशुद्ध जानवर हैं। पत्रस को बोला गया इन्हें काट ले और खा ले। पत्रस ने जवाब दिया प्रभु मैंने कभी किसी अशुद्ध वस्तु को हाथ नहीं लगाया, आवाज आई जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है उससे तू अशुद्ध कहने वाला कौन होता है। पत्रस का यह दर्शन एक दृष्टांत की रीति पर है। इजाजत नहीं मिल रही, खुदा ने जो लानती चीजें ठहराई थी उनको श्राप से नहीं निकाल रहा, बल्कि ये दृष्टांत है कि वो मनादी जो सिर्फ इसराइल में की जानी थी अब भविष्यवाणियों के मुताबिक वो समय आ गया है ये खुशखबरी दूसरे लोगों तक भी पहुंचाई जाए। पहले जो मूर्ति पूजक थे, जात पास इस बाइबल में कोई नहीं लिखी गई, जो मूर्ति पूजक थे और दूसरे मूर्ति पूजा के खिलाफ, सिर्फ दो ही प्रकार के लोग थे। जो मूर्ति पूजक थे उनको खुदावन खुदा ने अशुद्ध ठहराया हुआ था, इनके साथ मिलना वर्तना नहीं, कोई भी मिलाप नहीं रखना, कहीं ऐसा ना हो ये तुम लोगों के माइंड को वाश करके तुम लोगों को भी मूर्तियों की तरफ ले जाए, बस इतना ही था, इसलिए इनसे अलगताई रहती थी। अब वो जो दर्शन हुआ दृष्टांत की रीति पर खुदा ने मैसेज दिया वो लोग जो मूर्ति पूजक थे अब वो समय आ गया है उस जिंदा खुदा की गवाही उन तक भी। वहां पर लिखा है कि वो बातें हुई और वो अशुद्ध जानवरों की जो चादर आई थी ना, पत्रस होश में आकर उनको काट कर खाता नहीं। साफ लिखा है जैसे वो चादर आई है वैसे ही चादर उठा ली गई। आपको किसने कहा जी शुद्ध ठहरा दिया? दृष्टांत की रीति पर तो यह है कि अब गैर कोमों में ये नाम पहुंचने वाला है जो खुदा की कुदरत से दूर है और मूर्तियों के संग खुश है। और फिर उसका आगे चलकर पता भी चलता है एक गैर कोम का आदमी पत्रस के घर में एक अपने लोगों को भेजता है, पत्रस उनके साथ जाता है, वहां पर जाकर जब उनसे मिलता है फिर पत्रस अनाउंस करता है अब मुझे समझ में आया उस दर्शन का मतलब क्या था। अब समझ में आया उस दर्शन का मतलब क्या था। बाकी तुसी सूर खाना रज के खाओ, गंद वाली चीजा जे तुसी खोचो ते खोचो, जे तुहानू उल्लू चंगा लगता ते खाओ, साडा ढिड थोड़ी धोखदा, जे चमगिद्दड़ तुहानू चंगा लगता तुसी सूप बना के पियो, क्योंकि रब ने ते सारी चीजा शुद्ध तुहाडे हिसाब दे नाल ठहराईया आ। फिर तो डड्डू भी खा जांदे आ, एक उन्होंने वीडियो दिखाई है वो बड़ा सोहना, अगला जी दे डड्डू नूं फड़दा आ, उहदे उपरले बुल्ल नूं फड़दा, एक नूं दंद थले लैंदा, इहदा चीरदा आ, उहदे विचों उहदा माग दाम जिहड़ा निकलदा ते इहदे चक्के मूंह च पाइंदा, खाओ ना शुद्ध ठहराया आ। इंडिया च इन्ने आवारा कुत्ते रोज लोकां नूं कट कट के खा जाण दे, मारन जाण दे, कुत्ते खाओ नाले फ्री दे विच आ, तुसीं कहिंदे बकरियां नूं ते टाइम वेस्ट करदे हो, क्योंकि हुण की कीता भला शुद्ध ठहराया है। बिल्लियां खाओ ना, किन्ना काल पाया होया उत्थे, तुसीं बिल्लियां फड़ो ते बिल्लियां नूं की करो भला खाओ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ की कीता भला शुद्ध ठहराया है।
ਅਗਲੇ ਤੇ ਚੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿੱਡੀਆਂ ਫੜੋ ਤੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਓ ਤੇ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ੁੱਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਲਾ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 12:49 ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਔਰ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲੋ ਕੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬੜਾ ਕਰ ਕਹਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਹ ਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਲਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ ਚੇਲੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਭਲਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਾਇਆ ਹੈ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀਓ ਤੇ ਐਵੇਂ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਓ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਾਇਆ ਆ ਥਤਾ ਥਲਾ ਲਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਪਾਕ ਰੂਪ ਨੀਗਾ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਰੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਓ ਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਉਹਦੀ 2 ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਟੋਟਲ 7 ਅਗਰ ਤੇ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾਲ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਖੂਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਵਟਾਉਂਦੇ ਆ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ 2-3 ਵਰਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ upon them ya ke upon him ya iske no che dal garan do upon him hai him ya ji them ne parmeshwar da atma ode utte thehre ga
ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਛੇ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸੇਮ ਵਹੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਛੇ ਬਾਤੇ ਹਮੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੂਹ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਯਸੂ। ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਯਸੂ ਭਲਾ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚ? ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਾ ਪਏ ਰਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਖਾਓਗੇ ਖਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੌਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੰਸੋਨ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਫਿਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰੇਗਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਓਨੀ ਨਿਖਰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਇਹ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਓਨੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਭਲਾ? ਇਹ ਨਿਖਰਨੀ ਆ ਓਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਘਟਦੀ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰੂਹ ਠਹਿਰਿਆ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਸਮਾਨੀ ਬੁੱਧ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਮਾਨੀ ਰੂਹ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਚਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧੱਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਧੋਖਾ ਗੱਲ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ? ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਹ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਹ ਠਹਿਰਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਆ। ਉਸੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਸ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਆ? ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਘਰ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਚ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਉੱਪਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਾ ਧੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਲੱਗਦਾ ਆ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਗਨਲ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਫਿਰ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜਾ ਮੂਵ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਲਾ? ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਨ, ਕਿਰਨੋ ਥੱਲੇ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਹੋਵੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਮ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਠਹਿਰਿਆ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਲਾ, ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਬੁੱਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਓਦਾਂ ਓਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਲੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਆਣਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਪੁਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜਵਾਨ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆ, ਡਿਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਗਨਲ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਓਨੀ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਿਉਂ ਭਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿੰਦਾਰਾ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਬਸ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਾਖਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਦਾਰਾ ਲਾਲਾ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ, ਆਤਮਾ ਠਹਿਰੇਗਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਯਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਸਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਦਾ ਵੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸੂਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨੇ, ਸੂਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਸੂਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੂਰ ਨੇ ਫੁੱਲ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੂਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੂਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੂਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਨਾ ਉਸ ਸੂਰ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਮਿਲਿਆ ਆ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ,
जल्दी जल्दी जी, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। युक्ति और पराक्रम। हाँ जी, पंजाबी च पढ़ो जी की है जी, सलाह दे, ते हुण इंग्लिश च देखो की है जी, समर्था। स्पिरिट ऑफ काउंसल, काउंसल एंड नॉलेज, माइट, माइट मीन नॉलेज। हाँ जी, हुण पंजाबी च पढ़ो जी की है, समर्था। हाँ जी, सलाह दे, समर्था। एक गल चेते रखा करो पंजाबी पढ़ने वाले, जिंदगी एक गल चेते रखनी है, पंजाबी दे विच बहुत सारी ट्रांसलेशन गलत है। पहला पॉइंट चेते रखना, जिथे जिथे सामर्थ शब्द आया ना पंजाबी दे विच, उथे उथे समर्था लिखा गया। सामर्थ दे विच ते समर्था दे विच जमीन आसमान का फर्क है, इस चीज चेते रखना। सामर्थ ते समर्था, समर्था होंदा किसी चीज की रखने की कपैसिटी, किन्नी रखी जा सकती है। सामर्थ का मतलब है शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ। सो समझना गल, सामर्थ या समर्था नहीं, इस करके जिथे जिथे वो शब्द जो भी पढ़ो उस शब्द को सामर्थ करके लेना, समर्था करके नहीं। सामर्थ यानी कि शक्ति, ताकत। सलाह ते सामर्थ का आत्मा, हुण जिहदे उत्ते यह आत्मा ठहर आया उस बंदे दी तीजी ते चौथी निशानी की है। नंबर एक सलाह, ते नंबर दो सामर्थ। की ये बंदा सलाह दे विच चलदा है, की ये किसे नू सलाह देन जोगा हैगा है, की ये किसे दी सलाह मनन जोग भी हैगा है, ते साडा काम की हो गया भला। असी कहने मेरी सलाह तू मन ला, फिर तू ठीक है, ते तेरी तारीफ भी करांगे, ते जे तू मेरी सलाह नहीं मननी फिर असी तेरी बेइज्जती भी रज के करांगे, दसांगे बंदा मूर गया। इस कलाम च लिखिया बोलन दे विच ते सुनन दे विच काले, ते जे सलाह दा आत्मा मिलिया ना ते फिर सुनांगे भी ओने गौर दे नाल, जिन्ने मजे दे नाल सुनाउण दा हुनर रखदे हां। ते जे कल्ला सुनाउण दा ही हुनर रखदे हां ते सुनन दा नहीं हां, फिर कलाम च लिखिया है पाट गया है। की होया भला? पाट गया। ए हुण नाश होण दे किनारे पहुंच गया है, ਇਹ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਟਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਮੰਡੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ, ਮੋਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਘਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਮਝੋ ਗਿਆ, ਸਲਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਅਗਰ ਸਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ, ਫੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਜ ਸਮਰਥ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਇਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਮਰਥ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਭੈ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਭੈ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਪਰ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਬੇਦਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਨਿਰਧਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵੀ
तू छड़ सकदा पर मैं छड़दा नहीं है, बस तू मुड़ आ, मैं फिर तेन बाहों के लै लवांगा। लेकिन असं मुड़न दे भी कभी तैयार होंगे, ज्ञान का आत्मा, हालेलुया, ये ओ ज्ञान है जिहड़ा लिखा उपरों उतरदा है, हालेलुया, ये ओ बुद्ध है जिहड़ी उपरों उतरदी है, ये ओ समझ है जिहड़ी उपरों आउंदी है, ये ओ समर्थ है जिहड़ी उपरों आउंदी है, ये ओ ज्ञान है जिहड़ा उपरों आउंदा, ये सलाह है जिहड़ी उपरों आउंदी है, ओ सलाह जिहड़ी ओ दे सकदा है जिहड़ा ओहदे आत्मा की प्रेरणा नाल लिखे हुए इस कलाम नूं पढ़दा है, बिल्कुल वैसियां ही सलाहां ओ भी देण योग हो जाता है, हालेलुया। और जो किसी सलाह देगा वह सलाह कदे निष्फल नहीं हो सकती, वह सलाह कदे मिट्टी दे विच मिल सकती नहीं है, क्योंकि सलाह जो पाकरू की प्रेरणा दे नाल दित्ती जाएगी वह हमेशा हमेशा कामयाब होगी। पर ना तो असी सलाह देने योगे हुए तो ना सलाह, तो फिर की कहने असी पाकरू की है, मैनू मिलिया होया, जांच कर भुलेखे च ना रह जाए कितने, ज्ञान दा आत्मा, ते जे तू कहना पाकरू मिलिया फिर तू ज्ञान तो इन्ना पिछे क्यों, फिर ज्ञान दिया गल्लां तेनू समझ विच आउंदियां क्यों नहीं, जे तेनू मिलिया हुंदा ते फिर तू लोकां दे विच ज्ञानवान साबित हुंदा, हालेलुया, फिर तू जिथे भी जांदा परमेश्वर तेरे नाल हुंदा, ते फिर सैमुअल वांगू तेरे नाल ओह अपने शब्द नूं पूरा करदा, लिख के दिता उन्हें सैमुअल दे मुख विचों निकलने वाले किसी शब्द नूं उन्हें मिट्टी दे विच नहीं मिलन दिता, हालेलुया, ते साडे ते शब्द ही नहीं निकलदे मिट्टी विच, मिलने जां आकाश जाने ते बाद दीआं गल्लां आ, क्यों, क्योंकि ज्ञान दा ते साडा दूर दूर तक कोई वास्ता ही वास्ता नहीं, कहिंदा ज्ञान दा आत्मा ते छेवां किहड़ा जी, हांजी, भय दा आत्मा, डर दा आत्मा, ओहदे खौफ दा आत्मा। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਰ ਦੇ ਆਤਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ ਰੱਬ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਡਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਡਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ, ਡਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ਭਲਾ, ਦੁਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਪਤਨੀ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਸੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ, ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਦੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਭੈਣ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੂਤ ਭਰੇਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੇਗਾ,
अपनी अखां नूं बंद करांगे सिरां नूं अज सुने हुए कलाम दे उत्ते थोड़ी देर दी गल सब अपनी अपनी जगह ते थोड़ी देर दी खड़े हो जाओ अज उस तों मंगीए खुदावंद किते मैं भी भुलेखे दे विच तां नहीं किधरे ऐसा तो नहीं कि मेरे नाल भी कनैक्शन कट चुका है तो मैं भुलेखे दे विच ही तुरिया फिरदा हां अगर कुछ ऐसा है तो मंगीए फिर कनैक्शन नूं जोड़ देवेगा हाले दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक दे दे आत्मा का मुझे अभिषेक एक नया बलिया दे दे कोई निकलेगा कुंदन सोने से भी बढ़कर कोई ना
के जिंदगी के लिए मांग लेते हैं। तेरे आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ वचन हर एक जिंदगी पूरी संजीदगी के साथ समझे और उस पर चलने वाली बने। खुदा सारे लोग खुदा जो अभी भी अंधकार की शक्तियों के वश में हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा रूह उन सब को आजाद करे खुदावन। हर जिंदगी के लिए तेरा रहम मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा तुम सारे नाश करे।